दी, तुमने अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा। तुम्हें दिया वादा तोड़ने के लिए नहीं था सावी, मैं तो जन्म जन्म तक तुम्हारा साथ निभाना चाहता हूँ। ये तो बस हमारी इच्छा शक्ति की परीक्षा थी। कैसे थे, कहाँ थे, ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में चल रहे हैं, पर फिलहाल बैठते हैं और इस पल को देर तक महसूस करते हैं। आओ। क्या देख रहे हो? बिल्कुल नहीं बदली हो तुम, वही अदाएं, वही नजाकत, मन ही नहीं कर रहा कहीं और देखूं। मैं कैसा दिख रहा हूँ? बहुत अच्छे। हाँ, थोड़ा रंग उतर गया है, पर वही अंदाज और वही स्माइल। सुनो, अब तो कभी हम जुदा नहीं होंगे ना? याद है तुम्हें, तुमने कॉलेज में एक बार मेरी स्माइल की वजह से मुझसे कहा था, चलो डेट पर चलते हैं, खर्चा करवाऊंगी तो तुम्हारा सारा स्माइल चला जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल याद है, मैंने ही तो लाइन मारी थी तुम पर। और अब देखो हम कितनी दूर आ गए हैं। हाँ, हमारी शादी हो गई और फिर वो आया और कितने सारे पैसे भी आए। चलो छोड़ो ना, खाना खाते। क्या किया उन पैसों का? क्या रोज रोज वही सवाल हम करते रहते हैं। कहा ना, घर का हाउसिंग लोन का सारा पेमेंट कर दिया, हमारा ईएमआई खत्म हो गया है, बैंक में इतना पैसा है कि उसका जो भी इंटरेस्ट आता है उसी से महीने का खर्चा और मेरी दवाइयों का खर्चा, सब बहुत इजीली मैनेज हो जाता है। पहले दवाइयां कहाँ खाती थी तुम, पर उसके आने के बाद खर्चा भी तो कितना बढ़ गया है। सब ठीक हो जाएगा आदित्य। क्या ठीक हो जाएगा? मरने के बाद भी कोई वापस आता है क्या? अगर ऐसा कुछ हो सकता तो इस दुनिया का सबसे बड़ा दुखी खत्म हो चुका होता। क्यों, तुम भी तो वापस आए हो। चलो छोड़ो ना ये सब, चलो ना खाना खाते और फिर हम अपनी शादी की एल्बम देखेंगे, पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। मुझे नहीं खाना, मैं बेडरूम में जाकर आराम करना चाहता हूँ। ये तुम हमेशा की तरह वार्डरोब खोलोगे और रुपए गिनोगे। हाँ हाँ, मैंने वो पैसे बैंक में जमा कर दिए बाबा। ये सिर्फ एक लाख कैश पड़ा है। हाँ, ये तो घर के खर्चे के लिए ना, बाकी तो मैंने कहा ना, मैंने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा रखा है, उसके इंटरेस्ट से घर का सारा खर्चा निकल जाता है, जैसे कि कार की किश्त, तुम्हारे और मेरे पेरेंट्स का महीने का घर का खर्चा भेजना। सावी, यहां बैठो।
पैसों की दिक्कत तो अब खत्म हो गई, लेकिन मेरे आत्मा को मुक्ति तुम ही दिला सकती हो। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम खुश नहीं हो? नहीं, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। पूरे 2 साल हो गए सावी, पर अगर मुझे मुक्ति मिल गई तो शायद तुम्हें जेल हो जाएगी, जो कि मेरे नर्क जाने से भी गंदा एहसास होगा। क्या तुमने नर्क का एहसास किया है आदि? बोलो। ये सब कुछ नहीं होता सावी, कि अच्छे कर्म करो तो स्वर्ग मिलेगा, बुरे कर्म करो तो नर्क मिलेगा, जबकि हकीकत तो ये है कि मरने के बाद हर इंसान एक नए जन्म की तलाश में रहता है, कि आपके अपने कितने दुख में हैं, या कुछ लोग बहुत खुश हैं, लेकिन आप उन्हें कुछ करने से रोक नहीं सकते। मैं ये एसी की वायर वॉल से निकाल के बेड पे लटका दूं, या फिर ये कबाट खोल दूं, लोग थोड़े से डर जाते हैं, पर इससे खुशी नहीं मिलती, बस थोड़े से पावर का एहसास। लेकिन जब आप एक छोटे बच्चे बनकर किसी के घर में जन्म लेते हो ना, और आपके अपने आपसे प्यार करते हैं, तो उस खुशी की बराबरी दुनिया की कोई खुशी नहीं कर सकती। और हर इंसान मरने के बाद उसी खुशी की तलाश में होता है। मैं भी वही चाहता हूँ सर। कहाँ जन्म लेना है, क्या तुम ये तय कर सकते हो आदि? हाँ, गूगल मैप पर हाथ रखो और बस वहां हमारा जन्म हो जाता है। हाँ? नहीं पागल, मैं मजाक कर रहा था। असल में जिस इंसान की जहाँ जरूरत होती है वहां उसका जन्म हो जाता है। मैं भी तुम्हारे लिए एक जान ले लेती हूँ, पर क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे जेल ना हो? जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, अगर ज़बरदस्ती हम उसे लेने की कोशिश करेंगे तो दुख तो सहन करना पड़ेगा ना सावी। मैंने भी तो निकाले हैं पूरे 2 साल, लेकिन फिर भी मैं जो कर सकता हूँ ज़रूर करूँगा। पता है आदि, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। प्लीज़ अब वापस मुझे छोड़कर मत जाना।